हेलो गाइस, स्वागत है आपका किसी नई वीडियो में। आपका ही नवनीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले बैक्टीरिया हैं कीटाणु। आप सभी को पता है, जब हम किसी गंदी वस्तु को टच करते हैं तो उस जगह से हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी कीटाणु आ जाते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा बीमार कर देते हैं। इन्हीं से हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं। और बहुत से लोग यार इन्हें देखना चाहते हैं, पर यार बैक्टीरिया बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। आज हम बिना माइक्रोस्कोप के ही बैक्टीरिया को देखेंगे। वो कैसे? तो बिना माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक लेजर लाइट की जरूरत पड़ेगी और एक इंजेक्शन की। तो ये दोनों चीजें आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इन्हें आपको किस तरह से एडजस्ट करना है और किस तरह से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसी पानी में हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है, जिससे कि जो हमारे हाथ के कीटाणु होते हैं इस पानी में चले जाएं। अब हमें क्या करना है, इसी पानी को इस इंजेक्शन के अंदर भर लेना है। तो हमने कुछ इस तरह से इस पानी को भर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस इंजेक्शन और इस लेजर लाइट को एक जगह पे एडजस्ट करना है। अब चलो इनको एडजस्ट करते हैं। तो इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंजेक्शन है इस इंजेक्शन को कुछ इस तरह से लटकाना है और इसमें जो पानी भरा हुआ है उसी पानी की एक बूंद को कुछ इस तरह से निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें लेजर लाइट को गिराना है, जिससे कि इस बूंद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो इस पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट हो पाएं। तो अब चलो इनको जल्दी से एडजस्ट करते हैं। तो गाइस, आज आपने देखा एक बूंद के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से मूव कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, इस तरह की और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक भाई, जय हिंद, जय भारत।